चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। अगला मैं एक बार फिर बता देता हूँ, गेली सेक्स लॉ क्या था। ठीक है, और दूसरा क्या है, वो गैडो लॉ क्या था। ठीक है, पहले गेली सेक्स लॉ कर लेते हैं, क्या कहते हैं ये। बस सिंपली समझ लो, कुछ भी नहीं है ये, अभी हम आगे स्टोकियोमेट्री में यूज करेंगे। बस अभी इसकी स्टेटमेंट मतलब हमें पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि हम सारे लॉज इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लॉ कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये क्या बोलता है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने एग्जांपल लिया H2+Cl2 giving 2HCl। ठीक है, ये मुझे क्या बताता है कि अगर जो मेरे रिएक्टेंट्स है ना वो गैशियस है। ठीक है, अगर रिएक्टेंट्स मेरे गैशियस है, ठीक है, ये एप्लीकेबल है गैशियस के लिए, गैसेस के लिए। ठीक है, तो अगर मेरे क्या ये जो मेरे रिएक्टेंट्स है वो गैशियस है, ठीक है, पता है मुझे गैशियस होते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा सिंपल रेशियो वॉल्यूम में रिएक्ट करेगा। मतलब देखो ये इसके आगे वन है, मतलब इसका वन वॉल्यूम इसके वन वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और अगर मेरा जो आगे प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैशियस बन रहा है, तो ठीक है, अगर ये गैशियस होगा तो जो ये भी बनेगा ना वो इसका सिंपल होल रेशियो होगी। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये टू बना है तो टू वॉल्यूम, मतलब ये वन वॉल्यूम से रिएक्ट करके टू वॉल्यूम बनाता है। ठीक है, होना क्या चाहिए कि कॉन्स्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यही था गेली सेक्स लॉ, और कुछ भी नहीं कहता। कि ये क्या होता है, सिंपल अपने होल नंबर में, मतलब सिंपल देखो वन ये एक वॉल्यूम से ऐसा कभी नहीं मिलेगा तुम्हें, एक आधा से मिल रहा होगा, एक कोने से मिल रहा होगा, एक ढाई से मिल रहा होगा, ये चीज तुम्हें कभी भी नहीं दिखेगी। तो गेली सेक्स लॉ यही बताता है कि जो गैसेज जो होती है, जो रिएक्टेंट होता है उसमें जो गैसेज होती है वो कैसे रिएक्ट करती है, वो सिंपल होल नंबर में रिएक्ट करती है। मतलब एक वॉल्यूम एक से करेगा, एक दो से कर सकता है, तीन से कर सकता है, ढाई से कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो एक वॉल्यूम एक से रिएक्ट करके, और अगर प्रोडक्ट भी मेरा गैशियस है तो दो वॉल्यूम मेरा क्या बना रहा है, एच सी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल एक और ले लूं, N2+3। ठीक है, ये मुझे पता है गैस है, ये गैस है, ठीक है, और ये भी गैस होता है। ठीक है, तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा जो गैसेज होते हैं जैसे जैसे तुम पढ़ोगे। ठीक है, इसका एक वॉल्यूम इसके तीन वॉल्यूम से रिएक्ट करके ये दो वॉल्यूम हमारा अमोनिया देता है। ठीक है, देखो ये भी सिंपल रेशियो है, 1, 2, 3, 4 सिंपल्स है, सिंपल नंबर्स है। ठीक है, तो ये क्या होगा, गेली सेक्स लॉ यही बताता है। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं ये मेरे पास 150 ml थी। ठीक है, तो मेरा ये कितने के साथ रिएक्ट किया है और कितना बनाया होगा, बताना एक बार, यहाँ क्या आएगा फटाफट बता दो, कितने N2 के साथ रिएक्ट किया होगा उसने, बताना N2 कितना होगा। तो ये मेरा N2 कितना हो जाएगा, 50 ml। ठीक है, कैसे हो गया, देखो तीन एक के साथ रिएक्ट कर रहा है, सिंपल यूनिटरी मेथड है। देखो तीन एक के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो एक कितने के साथ करेगा, 1/3, तो 150 ml कितने के साथ करेगा, 150 × 1/3, तो ये क्या आ जाएगा, 50 बनेगा, कितना बता दो, NH3 कितना बनेगा, NH3 कितना बनेगा फटाफट बता दो, भाई निधि क्या बोल रहे हो, ये मैंने अज्यूम किया कि मैं 150 ले रहा हूं। ठीक है, ये मेरे हाथ में था, ये मैंने तुम्हें गिवन है, ये मैं एग्जामिनर हूं, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि मैंने 150 ml लिया। ठीक है, तो तुम्हें ये बताना है उसके साथ ये कितना लेना पड़ेगा और ये कितना बनेगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये निकालना और ये। ठीक है, क्वेश्चन ही था ये मेरा, अगर 150 ml है तो ये मुझे 50 ml चाहिए होगा, और बनेगा कितना, ये मेरा बनेगा 100 ml। कैसे आया, देखो तीन वॉल्यूम से मेरा दो बनता है। ठीक है, तो एक से कितना बनेगा, 2/3, तो 150 से कितना बनेगा, 2/3 × 150। ठीक है, तो कितना आ गया, 100 ml। बात समझ आई, सिंपल यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं है, बढ़िया आगे बता दो, बस मैं बता रहा हूं फटाफट क्योंकि इस पे अभी आज हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो अगला क्या था, एवोगैड्रो लो, ये सिंपल सा लो था, कुछ भी नहीं है ये, एक तरह से अभी हम जब स्टोकियोमेट्री करेंगे ना वहां पर इसका यूज होगा, जब यूज होगा इसको दोबारा से ही करेंगे वैसे भी, ये तो बस लो था इसलिए बता दी। एवोगैड्रो लो ये क्या बताता है, बहुत सिंपल लो है, ये क्या बताता है कि अगर मेरी वॉल्यूम इक्वल लेता हूं मैं, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मुझे क्या बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंडीशन क्या है, एट कॉन्स्टेंट
टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब या एट सेम कॉन्स्टेंट एंड प्रेशर, ठीक है, मतलब एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सबका टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए। अब इसका रीजन क्या, देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ये मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है अगर मेरा प्रेशर कॉन्स्टेंट हो जाए, ठीक है, और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाए, आर तो मेरा कॉन्स्टेंट ही होता है, ठीक है, तो मेरा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, एन के, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लू, एच टू ले लू, ठीक है, सीओ टू ले लू, एसओ टू ले लू, सी एच फोर ले लू, ठीक है, अगर मैं सारे ले लू, अगर मान लो मैंने क्या, अगर मैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, तो ये मुझे लो क्या बता रहा है कि अगर मैं मान लो सबकी वॉल्यूम ली ले रहा हूँ, ठीक है, तो इस लो के अकॉर्डिंग क्या होगा, मेरे उसके मोल्स भी क्या होंगे, सबके इक्वल। हमें ये कुछ भी नहीं देखना कि ये इसके पास, ये टेट्रा वाला है, इसके पास तीन आइटम है, इसके पास तीन है, इस पे दो है, हमारा ये क्या, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो जाए तो मेरा क्या, अगर वॉल्यूम सबकी सेम है, ठीक है, तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स तो सेम आएंगे ही आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स सेम आएंगे। उसके बाद देखो, अगर मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा सबको, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, एन इंटू एन एन इंटू एन ए, एन इंटू एन ए, मतलब ये तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स थे, ये मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल हो गए, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होंगे, यहां पर मेरे नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, देखो एक मॉलिक्यूल में मेरे दो है, तो ये क्या बनेगा, 2nNa, ठीक है, इसमें एक में तीन है, 3nNa, ठीक है, इसमें कितने, 3nNa, ठीक है, ये मैं मोल एटम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे मोल्स थे, ये मेरे मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। अब मैं एटम्स की बात कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, 5 into n into n, ठीक है। तो यहां पर देखो एटम सेम नहीं आए, तो एग्जामिनर तो पागल बना सकता है, वो क्या बोल देगा, एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या सब में नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं, तो आंसर है नो, मॉलिक्यूल सेम होते हैं, मोल्स भी सेम होते हैं, लेकिन एटम सेम नहीं होते। ये देखो एटम्स किसके सेम होंगे, जिनकी एटोमिसिटी सेम होगी, एटोमिसिटी मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, देखो इसमें भी तीन था, इसमें भी तीन, तो इस वजह से इन दोनों के सेम आए, ठीक है, तो एटोमिसिटी सेम होनी चाहिए, तब उन दोनों के एटम्स भी सेम होंगे, ठीक है। जनरली जनरली इक्वल नहीं होंगे, देखो ये 2nn ये 3nn ये 3n ये 5n, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि एटम सेम नहीं हो सकते, ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो हमेशा सेम हो, ठीक है। बढ़िया, आगे रिवाइज करो, आ रहा था मेन तो आज अभी स्टार्ट होगा, बढ़िया आगे बता दो, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेटा ये वाला हो चुका था, मैंने बस अभी फिर भी दोबारा रिवाइज करवा दिया, वैसे मैं आगे ही बढ़ना था, मैं कहा चलो कोई बच्चों का रह गया होगा तो मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है, बाकी कोई टेंशन वाली नहीं है। एक बार तुम नोट्स में या बुक में भी पढ़ोगे या वीडियो में देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने फिर भी दोबारा बता दिया, अगला क्या, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या फर्क है, देखो अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखूं, जैसे मैं ये क्या है मेरा ग्लूकोज है, ठीक है, तो ये मेरा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब इसके अंदर मैं साफ साफ सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मेरे एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, 6 कार्बन के आइटम है, ठीक है, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के, मतलब मैंने एक मॉलिक्यूल में कितने टाइप के कितने कितने एटम्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे देता है वो मेरा क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब बात आते हैं सर फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये क्या मेरे 6, 12, 6, अगर मैं इसमें से 6 कॉमन ले लो, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, CH2O, यही हो गया, या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब क्या हो गया, मैंने 6 को कॉमन ले लिया, ठीक है, अगर मैं 6 को वापिस अंदर लेके जाऊंगा तो क्या वापिस आ जाएगा, C6H12O6 वापिस आ जाएगा, तो जो मेरा ये वाला पार्ट होता है इसको मैं क्या बोलता हूँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जिससे हमें सिंपलेस्ट रेशियो पता चलते हैं, देखो ये सिंपलेस्ट है, इससे छोटा तो हम कर नहीं सकते, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है जिसके अंदर हमें हर एक एटम के बारे में सब कुछ पता चल रहा हो, लेकिन जो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला वो क्या बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो, याद करो सिंपलेस्ट रेशियो, जैसे अगर मैं 4:6 लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं उसे सिंपलेस्ट रेशियो करूंगा तो वो क्या हो जाता है, 2:3, तो वैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला भी फॉर्मूला का सिंपलेस्ट, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या हो गया कि देखो यहाँ पर क्या हो गया,
मैंने 6 को कॉमन ले लिया, अब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया CH2O, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला मुझे कभी ये नहीं बताता कि मेरे एक मोलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है हर एक टाइप। देखो खुद बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ CH2O, ठीक है, CH2O में मुझे क्या दिख रहा है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक, ठीक है, ऐसा तो नहीं था इसके अंदर, ठीक है। ये मुझे बस उनका सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है। सिंपलेस्ट रेशियो मतलब अगर मैं कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन के लिखूं 6:2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये मेरी सिंपलेस्ट रेशियो है, वो यहीं पर यही बता रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अगर देखो ये मेरा क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, मैं अगर CH3COOH लिखूं, ठीक है, CH3COOH और किधर C6H12O6, ठीक है, और एक HCH, ये मेरे तीन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तुम ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ठीक है। एक बात बताओ, इसका 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 मुझे एक बार एम्पेरिकल फॉर्मूला बता दो क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला बता दो HCHO का क्या होगा। देखो मैं ही बता देता हूं, चलो ये क्या हो जाएगा CH2O, यही होगा, एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन, एक O, ठीक है। इसके अंदर से हम कॉमन ले ही नहीं सकते कुछ, मतलब यही इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी हो गया और यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी हो गया, मतलब कि इसका एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आ गया, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो ऑलरेडी है, ठीक है। इसमें देखो ये मेरा क्या हो गया, कार्बन दो है, हाइड्रोजन कितने है, चार, ऑक्सीजन दो। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, CH2, ठीक है। अगर मैं इसको करूंगा तो ये तो अभी मैंने किया ही था, CH2O, ठीक है। तो यहां पर देखो ये देखो, तीनों अलग अलग कंपाउंड है, ये ग्लूकोस है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तुम ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ये मेरा होता है एल्डिहाइड, ठीक है, नाम तो सुन ही रखा होगा, ये एल्डिहाइड है, ये एसिड है और ये शुगर है एक तरह से, ठीक है, ग्लूकोस होता है, ठीक है। तो तीनों देखो अलग अलग कंपाउंड्स है लेकिन उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम। तो क्या मतलब है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरा सेम हो सकता है डिफरेंट कंपाउंड्स का भी, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, अब लिख लो डेफिनेशन बता देता हूं, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, अब इसकी डेफिनेशन लिख लो, बस तुम्हें समझना था एक्चुअल में फर्क क्या दोनों में बस, ठीक है। चलो अभी डेफिनेशन लिखाऊंगा फिर रिपीट हो जाएगा बच्चे, निशांत टेंशन ना लो, अभी करवा रहा हूं। तो लिख लो, सबसे पहले लिख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये उनकी स्टेटमेंट है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द फॉर्मूला विच टेल्स, द फॉर्मूला विच टेल्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स देख लो, ठीक है, द एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, यही अभी मैंने बताया था। अब अगला क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला देख दो, द फॉर्मूला विच टेल्स द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल में C6H12O6, ये मेरा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इसका क्या लिखूंगा, CH2O, ये मेरा क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला पावर, पावर नहीं मतलब जो पैर में है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखवाया था, एग्जाम्पल देख लो, तो मैं C6H12O6 को कैसे लिख सकता हूँ, CH2O6, ऐसे। तो मेरी n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 6। अब बात आती है कि n मेरा आता कहां से है, ठीक है, n मेरा आया कहां से, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू, एक तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, एक और फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, जहां पे मैं n कैसे निकाल सकता हूं, ऐसे। मतलब क्या हो गया, मान लो मुझे देखो C6H12O6, ठीक है, मुझे और CH2O, यहां पे तो तुम डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है, यहां पे मेरी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, अभी मैंने करके दिखाया था, ठीक है। लेकिन मान लो मुझे एक चीज उसमें से ना आगे बनाऊ, ठीक है, मान लो मुझे ये नहीं पता, ठीक है, या ये नहीं पता, तो मैं उसको कैसे निकाल लूंगा, देखो उसके अंदर मेरा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखो, मेरा n और कैसे निकल सकता है, मैं इसका मास लिख दूंगा, इसका मास कितना आ जाएगा मेरा, 12 into 6 plus 12 plus 6 into
कितना हो जाएगा 16, तो क्या बनेगा 72 प्लस 12 प्लस ये कितना बनेगा 96, तो ये अराउंड हो जाएगा 180, ठीक है, इसका मास। तो ये क्या हो गया मेरा मोलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरा क्या है ये, तो इसका मास कितना हो गया 12 प्लस 16 प्लस 2, ये कितना हो गया 18 और 30, तो यहां से मेरा 6 आ गया, ठीक है। तो यहां पर हम n ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, या मैं इसको और ऐसे लिख सकता हूं, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, कैसे भी लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो मेरा एक और रिलेशन आ गया इन दोनों के बीच में, ये आगे यूज करवाऊंगा, ठीक है, अब इसको नोट कर लो फटाफट, ठीक है, कर लिया नोट, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होता है मेन, ठीक है। एक हम तरीका करेंगे कि स्कूल में कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है, एक हम शॉर्टकट सीखेंगे, ठीक है, स्कूल वाला मैथ ये पेपर में एक ना एक क्वेश्चन तो इस पर बेस्ड आता है, ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल जैसे एग्जाम में करना है वैसे भी सीखेंगे, और हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि वहां हमें टाइम बताना है, आंसर चाहिए हमें, तो हम वो वाला मेथड भी सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तुम सीख लो जो स्कूल में लिखना है, ठीक है, और वो पूरा प्रॉपर अच्छे से बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लो, एनऑर्गेनिक कंपाउंड contain 60% carbon and 8% hydrogen. Calculate empirical form. बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस जो मैं तुम्हें सीक्वेंस बताऊंगा उसी में लिखना, ठीक है। तो इसकी एक टेबल बनानी होती है, ठीक है, तो टेबल बना लो एक सबसे पहले, यहां पर मेरा क्या आता है एलिमेंट, ठीक है, सबसे पहले मेरा क्या आता है एलिमेंट, उसके बाद मेरा मास परसेंट, या यहाँ मास भी हो सकता है, ठीक है, जो गिवन हो, ठीक है, एलिमेंट, फिर मेरा मास परसेंट आता है, फिर मेरा क्या होता है एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो मेरा क्या होता है, एटॉमिक रेशियो होता है मेरा दिस मास परसेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, कुछ भी नहीं है, जैसे हम क्या निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, यहां पर हम देखो एटॉमिक मास और मोलर मास में तुम्हें फर्क पता है क्या होता है, ये मुझे क्या बताता है कितने मोल्स हैं और ये मुझे क्या बताता है कितने एटम्स हैं, ठीक है, यही बात होती है, फर्क यही होता है, ये हमारा यू में हम डिफाइन करते हैं, ये हम ग्राम्स में करते हैं, ठीक है, फर्क तो कुछ भी नहीं होता नॉर्मली, बस ये होता है कि ये मोल्स बताता है और ये उनका नंबर बताता है, ठीक है। तो अगर मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा गिवन मास बाय एटॉमिक मास, ठीक है, अगर मेरी बात आ जाती है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मोल्स की टर्म में, तो मेरा गिवन मास बाय मोलर मास आ जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं आता आंसर में, लेकिन तुम्हें कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए कि इन दोनों इन वर्ड्स का मतलब क्या है, वजूद क्या है इनका, ठीक है, एलिमेंट्स मास परसेंट, उसके बाद मेरा क्या आ जाता है सिंपल रेशियो, ठीक है, उससे अगला क्या आ जाता है सिंपल होल नंबर रेशियो, ये तुम्हें टेबल बनानी है, बनानी टेबल, ठीक है, सिखाऊंगा कि ये क्यों कर रहे हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले हम स्कूल पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन है और हाइड्रोजन, ठीक है, एक कार्बन है मेरा इसके अंदर और एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो लिख लिया। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इस बात पर फोकस करना, अगर मुझे कहीं पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मेंशन है, ठीक है, ये भी लिख लो अलग से, इसको मार्जिन की नोटबुक के ऊपर लिखा करो, ठीक है, ताकि इस पर ध्यान जाए, ठीक है, अगर मेरा कहीं पर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है ना, तो मुझे चाहे उसमें ऑक्सीजन दिया हुआ है चाहे नहीं दिया हुआ, तो मैं क्या मानूंगा उसके अंदर कार्बन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, वो नाइट्रोजन सल्फर भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो मेंशन करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो समझ जाना कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है, ठीक है, बाकी जब हम उसको सोल्व करेंगे ना, अगर उसके अंदर मान लो ऑक्सीजन नहीं होगा तो अपने आप जीरो आ जाएगा, तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन हम मान के चलेंगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है, अगर वो बोल देता हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसको हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं अगर वो, तो उसमें मेरा कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, इसको मार्जिन के ऊपर अच्छे से लिख लो, समझ रहे हो, इसको मार्जिन के ऊपर अच्छे से लिख लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब अगर वो मुझे कभी क्वेश्चन देता है तो मैं अपने आप एज्यूम करूंगा कि कार्बन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है,
नाइट्रोजन और सल्फर भी हो सकता है, लेकिन वो एग्जामिनर तुम्हें बताएगा कि है इसके अंदर, स्पेशली बताएगा। लेकिन ऑक्सीजन के लिए उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो बिन बुलाए मेहमान है, ठीक है, बारात में आएगा ही आएगा साथ में, जब भी मैं हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखूंगा। हाइड्रोकार्बन लिखूंगा तो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, तो इस बात को समझ लेना, मार्जिन के ऊपर लिख ले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसने मुझे क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मेरा अपने आप ही ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरा मास परसेंट क्या गिवन है, 60, ठीक है, ए क्या हो गया 8, ठीक है। अब मेरा बाकी कितना बचा, 32। मान लो उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दिया होता और यहाँ पर देता 60% कार्बन 40% हाइड्रोजन, तो 60-40 हो जाता, ठीक है, बाकी 100 में से कितना बचा, 0, तो अपने आप यहाँ पे एंड आ जाता, ऑक्सीजन नहीं आ पाता, ठीक है। तो जब देखो यहाँ पर 68% हुआ अभी तक, 100% टोटल होता है, तो मतलब जो बाकी है वो ऑक्सीजन है, वो क्वेश्चन में तुम्हें इनडायरेक्टली अपने आप दे देगा। अगर वो यहाँ पे 40 लिख देता ना, तो तुम अपने आप समझ जाते कि ऑक्सीजन की जगह ही नहीं बची, बारात में दो बंदे ही जाने थे और दो तो चले गए, ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। अब एटॉमिक रेशियो क्या है, एटॉमिक मास, मास परसेंट बाय एटॉमिक मास, मास परसेंट क्या, 60, इसका एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, 12, 5 आ गए, ठीक है। हाइड्रोजन का मास परसेंट क्या, 8, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो 1 आ गए, ठीक है। यहाँ पर क्या, 32, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 60, तो ये क्या बन गया, 8, और ये क्या बन गया, ठीक है, बात समझ आई। उसके बाद देखो ये मेरा बाय चांस सिंपल होल नंबर ही आ गया, 582 सिंपल लिया, ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन बनाया था, सिंपल रेशियो यही आ गया 582, और ये भी मेरा होल नंबर ही है, वैसे भी तो मेरा आंसर क्या बन गया, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, C5H8O, बात समझ आई पूरे। अगर तुम्हें सीबीएसई में आ जाता है तो तुम्हें इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज तो मैंने बता दी है, नहीं लिखनी, ये तुम्हें बताने के लिए, ठीक है, इसको ऐसे टेबल बनानी है, ठीक है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला तुम्हारा आ गया, ठीक है, बात समझ आ गई कैसे करना है, बिल्कुल समझ गए बच्चों, बता दो, बहुत सिंपल है, अभी तो मैं तुम्हें और सिंप्लीफाई कर दूंगा इसको, लेकिन ये तो स्कूल लेवल के लिए ना, मतलब स्कूल में कैसे लिखना है, अभी हम इसको चुटकियों में करेंगे बिना टेबल बनाए, उससे पहले हम स्कूल के हिसाब से भी चलना है ना थोड़ा, स्कूल वाले तो वरना काटा मार देंगे ये क्या कर दिया तुमने, क्योंकि उनको तो करेक्ट मेथड चाहिए बिल्कुल, ठीक है, बड़े आगे नोट कर लिया। अभी मैं अगला जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें थोड़ा सा इन पे भी ध्यान देंगे हम, ठीक है, सिंपल रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो पे, ठीक है, इसको नोट कर लिया ना। तो अगला क्वेश्चन देखो, टेबल मैं रब नहीं कर रहा, तुम टेबल दोबारा बनाओ इतने में, ठीक है, दोबारा टेबल बना लो, 3 लाइन छोड़ के क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, नेफ्थलीन कंटेन्स, या नेफ्थलीन हैज द कंपोजिशन, कार्बन मेरा कितना है, 93.7, हाइड्रोजन मेरा कितना है उसके अंदर, 6.29, ठीक है। तो मुझे बताना है, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, स्टार्ट करो तुम खुद, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन पहले तुम खुद करो, ठीक है। तो मैं ये रब कर रहा हूँ, टेबल तो ऐसे ही बनेगी, ठीक है। अब मुझे बता दिया उसने, पहले इसने मुझे नेफ्थलीन दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो नहीं आएगा, ठीक है, उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कुछ बोला नहीं, उसने सीधा नाम ही दे दिया उस कंपाउंड को, ठीक है, तो मुझे पता है उसके अंदर ऑक्सीजन तो आएगा नहीं। बच्चों टेबल बना लिए, टेबल बना लो फटाफट, साथ साथ करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, चलो खुद स्टार्ट करो। मुझे मास परसेंट कितने गिवन है, 93.7, और इसका कितना गिवन है, 6.29, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मास परसेंट बाय एटॉमिक मास, 93.7 डिवाइड बाय 12, और यहाँ 6.29 डिवाइड बाय 1, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ठीक है, तो इसको मैं करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ मेरा अराउंड 7.8 आ जाता है, ठीक है, इसको करूंगा 6.29, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरा ये पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर अब मुझे इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। सिंपल रेशियो में हम कैसे करते हैं, जो सबसे छोटा है ना, सबसे छोटे से सबको डिवाइड कर दो, ठीक है, जितने भी है, यहाँ पर 8 ही है, तो क्या बन जाएगा, 7.8 अभी भी मेरा ये रेशियो में है, ठीक है, अभी भी मेरा ढंग से
वो नहीं हुआ कि मैं इसको 1, 2, 3, 4 ये मेरा क्या बना, सवा बने, मतलब 1.25 के अराउंड बने, ठीक है। तो मुझे इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए देखो, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 4 से कर, तो मेरा क्या बन जाएगा 5, ये कितना बन जाएगा 4, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा C5H4, ये मेरा क्या हो गया एम्पिरिकल फॉर्म, ठीक है। या तुम इसको 1.24 को ऐसे भी लिख सकते थे, याद करो, ठीक है, तुम उसको होल नंबर बनाना है, 1.24 को तुम 5/4 भी लिख सकते हो, पता है ना, लिख सकते हैं। तो देखो 5/4 लिखा तो 4 से 4 कैंसिल हो रही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम कैसे भी कर लो, ठीक है। हमें उसको एंड में होल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सिंपल होल नंबर, ठीक है। तो मेरा एम्पिरिकल का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आई बात समझ, कर लिया बेटा। 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें सिंपल होल नंबर चाहिए था, या 1.24 एक होल नंबर तो नहीं है, होल नंबर तुम्हें पता है क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 1.24 तो होल नंबर नहीं होता, वो तो एक डेसिमल हो गया, फ्रैक्शनल हो गया। तो हमें किसी तरह उसको कैसे करना है कन्वर्ट, कैसे कर सकते हो, देखो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, 1.24 / 1, ठीक है, तो ये मेरा ये कटेगा ये बनेगा, तो मेरा अपने आप ही 5/4 आ गया, ठीक है। तुम ऐसे भी कर सकते, तो ये मेरा 5 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है, कैसे भी करो, मतलब हमें यहाँ पर इस डिजिट को किसी से मल्टीप्लाई करके किसी तरह उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो मेरा देखो इसको डिवाइड करके आ रहा है 5/4, ठीक है। तो जैसे कन्वीनियंट हो वैसे कर लो, ठीक है, ये तो मैथ्स है सिंपल, बाकी इतना कॉम्प्लेक्स आता नहीं है, ठीक है, इतना नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर अपने आप ही सोल्व हो चुका होगा, ठीक है, मैंने फिर भी एक कॉम्प्लेक्स केस करवा दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, ये नोट कर लिया ना, ये अब ना करना, पहले हम स्कूल के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 7.3 ग्राम लोफ है, ग्राम कार्बन, 0.7 ग्राम हाइड्रोजन, 1.5 ग्राम नाइट्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन। कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्म। देखो मैंने तुम्हें यहां पर क्या बताया, मास परसेंट हो सकता है मास, तो मैंने तुम्हें एक और वैरायटी की लिया, ठीक है, सबसे पहला सबसे सिंपल क्वेश्चन किया, उसके बाद हमने थोड़ा उसमें कॉम्प्लेक्स किया जहां पर इसमें हमें डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। अब अगला क्या है, अब हमने क्या परसेंटेज नहीं ली, मैंने ग्राम्स ले लिए, ठीक है, तो मैंने तुम्हें यहाँ पर ही साफ साफ लिखवा दिया, ये मास परसेंट भी हो सकता है और मास भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेम तरीके से होगा। तो आइए देखते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से, पहले ये देखें, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, ठीक है, चार है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दिया, ठीक है, ये मेरे चार आगे, ठीक है, सबका मास परसेंट या मास मुझे कितना गिवन है, 3.6 ग्राम मुझे कार्बन गिवन है, 0.7 ग्राम हाइड्रोजन, 1.5 ग्राम मेरा क्या नाइट्रोजन, और मेरा 1.5 ही कितना बचेगा ऑक्सीजन का, कैसे देखो टोटल मेरा कितना है 7.3, ठीक है, उसमें कार्बन क्या, हाइड्रोजन क्या, नाइट्रोजन क्या और ऑक्सीजन क्या, ठीक है, 7.3 में से मैं माइनस क्या कर दूंगा, 3.6 प्लस 0.7 प्लस 1.5 प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या आ जाएगा मेरा 7.3 माइनस 3.6 प्लस 0.7 प्लस 1.5, ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा मेरा 1.5 ही आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई ऑक्सीजन कैसे आया, उसने बोल दिया था द रिमेनिंग इज ऑक्सीजन, टोटल मेरा 7.3 ग्राम है, ठीक है, तो मैं सबको ऐड करके क्या कर सकता हूँ, माइनस कर दूंगा टोटल में से, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको माइनस करके मेरा वन, अब मुझे क्या करना है, मास परसेंट, ठीक है, बाय एटॉमिक मास, यहाँ पर तो मास परसेंट है नहीं, गिवन मास है, ठीक है, तो वहां पर अपने आप इसको मास कर देना, ठीक है, मैं यहाँ पर ये मास परसेंट काट रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा हल्का सा चेंज हो गया, ठीक है, गिवन मास बाय एटॉमिक मास हो गया, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा 3.6 डिवाइड बाय 12, ये 0.7 डिवाइड बाय 1, ये 1.5 डिवाइड बाय 14, ठीक है, और ये क्या 1.5 डिवाइड बाय 6, ठीक है, तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 0.3 0.7, ठीक है, ये मेरा कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, और इसको सोल्व करूंगा तो अराउंड 0.09 आ जाएगा, यही आएगा ना, देख लो, यही आएगा ना राउंड, ठीक है,
तो इसको देखो, मैं इसको 0.09 को अराउंड 0.1 मान सकता हूँ, ठीक है, एक ही बात है, इतना तो हम कर ही सकते हैं अप्रोक्स, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे क्या करना है, सबको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सबसे छोटा मेरा कौन सा है, ये या ये, एक ही बात है, तो मेरा क्या आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1, क्या आ जाएगा 3, ये 7, ठीक है, ये 1, ये 1, तो मेरा सिंपल रेशियो भी यही आ गया, शायद पहले ही आ गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, C3H7NO, तो ये मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला। बात समझ में आई, आ गई समझ, ठीक है, कैलकुलेट खुद कर लेना। हाँ बेटा, ये परसेंट गिवन नहीं है, तो मैंने तुम्हें यहां पर खुद बताया था कि मास भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें इसका लॉजिक बताता हूँ, जो हम टेबल बनाए जा रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं, इसका लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। पहले तो हमें समझना था कि करना कैसे, अब समझते हैं कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए जरूरी है, ठीक है। अभी हम इसको क्वेश्चन को सिंपली भी करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें कि कैसे करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दोबारा सिंपली भी करके दिखा, अब मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा टेबल वाला काम हो गया, सीबीएसई वाला काम हो गया, ठीक है। एक बात बताओ, एक्चुअली में मान लो अगर मैं बोलता था C6H12O6, ठीक है, ये बोलता था अगर मैं, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोलता था कि हम यही बोलते थे कि एक मोल, अगर मैं, या मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल में मेरे 6 कार्बन होंगे, ठीक है, 12 हाइड्रोजन होंगे और 6 ऑक्सीजन होंगे, यही बोलते थे। अब हमने क्या किया है, इसी की हेल्प से, मतलब जैसे अगर मैं बोल देता हूँ CH2O, तो इसमें मेरा क्या है, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। मतलब हमें क्या करना है, एक तरह से ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक मोल कार्बन में, ठीक है, 6 मोल कार्बन है, ठीक है, 12 मोल हाइड्रोजन है, ये मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, ठीक है, 6 मोल ऑक्सीजन है, ये मैंने दूसरे लेक्चर में सिखा दी थी वाली, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब मैं क्या करूंगा, जो मेरा मोल का रेशियो होगा वही यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला में आ रहा होगा, ध्यान दो, यही आएगा 6 12 6, और यही मेरा आता है। तो अगर मैं क्यों ना, जो मेरे मोल्स आ रहे हैं उनका जो मोल रेशियो है उन्हीं को यहीं पर कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्टली, तो ये जो हम पूरा टेबल बनाते हैं ना, वो यही चीज कर रहे होते हैं। अब तो मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ ऐसे, ठीक है, मैं यहाँ मोल के रेशियो ही निकाल रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिकली मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो देखो, ये मेरा क्या था, 7.3 ग्राम था, ठीक है, तो मेरा नाइट्रोजन सबसे पहले, मेरा कौन सा, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो मेरा कार्बन कितना है 3.6, ये कितना है 0.7, ये 1.5, ये 1. ये मुझे क्या है, मास गिवन है, ठीक है, तो मैं उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लूंगा, तो मोल्स क्या हो जाएंगे, मोल्स में कन्वर्ट किया तो ये मेरा क्या आ जाता है 0.3, ये मेरा 0.7, ये मेरा 0.1 और ये मेरा 0.09, ठीक है, जिसको मैं 0.1 मान ले रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इन तीन इनको ही सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दिया 3 7 1, तो मेरा क्या बन गया, यही जो मेरा मोल्स का रेशियो आया है वही तो मेरा यहां जाता है, हम टेबल अगर हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली मोल्स का रेशियो निकाल के कर सकता हूं इसको, ठीक है, टेबल बना के करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें ऑब्जेक्टिव में जब करना होता है, क्वेश्चन सोल्व करना होता है, ठीक है, तो हमें क्या बस मोल्स का रेशियो ले लेना है और कुछ भी नहीं करना, अगर वो मुझे मास के टर्म्स में गिवन, ठीक है। जो मैंने तुम्हें एक और क्वेश्चन दिया था ना, वो भी एक बार तुम्हें बता देता हूँ, करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन दिया था, याद करो, मैंने क्या बताया था, कार्बन मेरा अराउंड 60 ग्राम था, हाइड्रोजन था 8%, ठीक है, ये 60%, 8%, और ऑक्सीजन मैंने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था मेरा अपने आप कितना आ गया, 32% आ गया, ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन कराया था वो मैंने टेबल से करवाया था, सिंपल देखो, ये ऑक्सीजन है मेरा, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेट टोटल सैंपल भी 100 ग्राम, मैंने 100 ग्राम मान लिया, तो मेरा कार्बन कितना हो गया 60, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ जैसे हम लिखते हैं, ठीक है, तो मेरा अगर टोटल 100 ग्राम है तो उसमें मेरा 60 ग्राम क्या हो गया, कार्बन, ठीक है, ये मेरा कार्बन 60 ग्राम हो गया, ठीक है। अगला क्या मेरा हाइड्रोजन, वो क्या मेरा 8 ग्राम हो गया, ठीक है, और जो मेरा ऑक्सीजन है वो कितना हो गया 32 ग्राम, ठीक है। मैंने टोटल 100 मान लिया, वही परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज में तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ, तो मैं अगर 100 ग्राम मान लूँ तो उसमें 60 हो गया, 80 हो गया, 32 हो गया, अब मुझे मास आ गया, ठीक है। अगर मैं मास आ गया, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, मेरा मास था, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे 60 बाय 12, 8 बाय 1,
32/16 तो मेरा क्या बन गया 5, ये 8 और ये 2, तो मेरा मेरा रेशियो क्या बन गया C5H8O2। ठीक है, याद है, यही आया था हमारा उससे भी, चेक करो एक बार, यही आया था नहीं आया था। ठीक है, तो अगर मुझे परसेंटेज गिवन है तो मैं 100 मान के कर लूंगा। ठीक है, बाकियों का सबको बस मैं मास में कन्वर्ट कर दूंगा और रेशियो निकाल लूंगा उनका। ठीक है, मैंने दोनों मेथड बता दिए, कैसे भी कर लो सीबीएसई में, लेकिन उससे करना जो मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चंस की मैं यहां पर हर एक टाइप की प्रैक्टिस करवा देता हूं, तुम्हें घर जाके बस उसकी वैरायटी सारी हो चुकी है, प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। 0.078 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑक्यूपाइज 22.4 ml ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला, इफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH, CH मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताओ एक बार, तुम खुद सोचो कैसे कर सकते हैं। चलो मैं करवा देता हूं, थोड़ा सा अलग टाइप का। ठीक है, मुझे क्या गिवन है, इतना ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड इतने वॉल्यूम। ठीक है, तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये होता है। ठीक है, तो यहां पर मुझे गिवन वॉल्यूम क्या है 22.4 और मेरी मोलर वॉल्यूम क्या होती है। ठीक है, ये एसटीपी पे बात हो रही है। ठीक है, एट एसटीपी कर लेना या एनटीपी कर लेना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जब तक वो वेंशन नहीं करेगा आप नहीं बता सकते। तो ये मेरा क्या हो जाता है 22.4, ये लीटर होता है, ये मेरा क्या एमएल, उसको मुझे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरी एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मेरा इससे ये कट गया, तो मेरा क्या आ गया 10^-3 मोल्स आ। ठीक है, अब ये जो मेरे मोल्स होते हैं वो क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो मेरा गिवन मास कितना गिवन है मुझे 0.078। ठीक है, मोलर मास मुझे निकालना है, तो मेरा मोलर मास क्या बन जाएगा, गिवन मास बाय एन। तो गिवन मास कितना मेरा 0.078 डिवाइडेड बाय 10^-3। ठीक है, तो ये मैं इसको अगर मैं आगे ले जाऊं तो मेरा क्या बन जाएगा 78 × 10^-3। मैं पॉइंट को इधर लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो मेरी पावर नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, डिवाइड बाय 10^-3। तो मेरा क्या गया 78 ग्राम, ये मेरा क्या गया मोलर मास। ठीक है, मुझे मोलर मास पता चल गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला मुझे क्या गिवन है CH। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मेरा क्या आ जाएगा 12+1 13 आ गया। तो अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पता चल गया, तो तुम एन निकाल सकते हो। तो मैंने एन तुम्हें बताया था क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास मेरा कितना है 78/13, तो ये क्या बन जाएगा 6। ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं, तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, एम्पेरिकल फॉर्मूला की पावर एन होता है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मुझे क्या गिवन है CH की पावर एन। तो क्या बन गया मेरा, आई बात समझ? ठीक है, समझ आ गया, रिपीट कर देता हूं एक बार, दोबारा कर देता हूं। देखो, मुझे उसने क्या पूछा है, देखो उसने मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, उसने मेरे से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने बोला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने निकालने का सबसे पहले क्लास में, मतलब स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि मेरा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन होता है, मैंने तुम्हें बताया था। और एक और चीज मैंने बताई थी, मेरा एन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। स्टार्टिंग में क्लास के सबसे पहले हमने ये दो फॉर्मूले लिखे थे। ठीक है, ये मेरा क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या मेरा उसका मास। ठीक है, तो अगर मुझे एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सबसे पहले मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, तो मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मुझे पता है सी एच है। ठीक है, अब मुझे एन किसी तरह निकालना, अगर मुझे एन पता चल गया तो ये तो मुझे पता ही है, तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकता। अब मैं एन कहां से निकालूंगा, एन के लिए मुझे जाना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मुझे पता है,
क्योंकि मुझे अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है, मतलब उसका फॉर्मूला पता है, तो उसका मास तो मैं निकाल ही सकता हूँ। क्या आ जाएगा वो? 12 + 1 13 आ गया, ठीक है, 13 AMU आ गया। ठीक है, अगर हम एक एटम की बात कर रहे हैं 13 AMU, अगर हम मोल की बात कर रहे हैं तो 13 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यूनिट पर नहीं जाना, ये हो जाएगा 13। ठीक है, ये चीज मुझे पता है, ठीक है, ये मुझे किसी तरह अगर पता चल जाए तो मेरा एन आ जाएगा, अगर एन आ गया तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे मोलिकुलर मास पता करना है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो, मुझे क्या गिवन है, हाइड्रोकार्बन का गिवन वेट गिवन है, ठीक है, मुझे उसकी वॉल्यूम पता है, ठीक है, और वॉल्यूम भी एनटीपी में पता है। ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक तरीका, ये एन और ये एन अलग है, याद रखना, ये एन मेरा नंबर ऑफ मोल्स है, कंफ्यूज मत हो ना, जो हम अभी तक मतलब स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, गिवन वॉल्यूम मुझे गिवन है, ठीक है, वो मुझे मिलीलीटर में गिवन थी, मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दी, और मोलर वॉल्यूम मुझे पता है, ठीक है, हमने कैलकुलेट कर रखी है कि मोलर वॉल्यूम 22.4 होती है। इसको सोल्व करेंगे अगर तो मेरा क्या आ जाएगा, 10^3 मोल्स, 10^-3 मोल्स। ठीक है, अब मुझे मोल्स पता चल गए, ठीक है, मास मुझे पता है, ठीक है, तो मैं उसका मोलर मास निकाल सकता हूँ, मोलर मास या मोलिकुलर मास बोल लो एक ही बात है। ठीक है, तो अगर मुझे मोलर मास पता चल गया, ठीक है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मोलर मास इक्वेशन ले जाओ, गिवन मास बाय एन, एन की वैल्यू मुझे पता है, तो गिवन मास क्या हो गया, ये रहा गिवन। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या हो गया, मोलिकुलर मास। ठीक है, तो अगर मुझे मोलिकुलर मास पता चल गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मोलिकुलर मास की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मुझे पता ही है, ये मुझे पता है, तो एन की वैल्यू आ जाएगी, फिर एन की वैल्यू जो मेरी आ गई, एन की वैल्यू, उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर अगर पुट कर रहा हूँ एन की वैल्यू, तो मेरा क्या बन जाएगा, C6H6। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये वाला एन और ये वाला एल अलग है, ये एन तो है बस एक नंबर है जो कि हमने अभी निकालना सीखे, और ये जो एन है ये तो हमारे मोल्स है जिससे हम डील करते हैं। ठीक है, तो इस एन को तुम ये वाले एन से कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो अब समझ आ गया, बता दो, मैंने बिल्कुल ब्रीफली बता दिया। ठीक है, ठीक है, तो अब टाइम होने वाला है, कट ही हो जाएगा उससे पहले, इसलिए मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, और तुम्हें खुद ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर अभी हो गया तो ठीक है, वरना तुम अपने आप खुद करोगे। ठीक है, सेम है, अप्रोच बता दूँ। ठीक है, तुम्हारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ होती जा रही है, लेकिन तुम्हें क्वेश्चंस खुद भी प्रैक्टिस कर। ठीक है, और कंपाउंड कंटेंस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत सिंपल, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, इन 7:16 मास। If the vapor density of compound is 46, calculate molecular formula। ठीक है, जब भी molecular formula के बारे में पूछे ना, तो तुम ढूंढने लग जाओ उस n को। ठीक है, जो n हमने सीखा हुआ, ठीक है, उसको ढूंढने किस तरह। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ। ठीक है, ये मुझे क्या गिवन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये मुझे क्या गिवन है, उसका मास रेशियो गिवन। ठीक है, मास रेशियो क्या गिवन है, 7:16। तो मैंने तुम्हें अभी सिखाया है कि अगर मैं उनका मोल्स का रेशियो निकालू, तो मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा मोल रेशियो क्या आ जाएगा, ठीक है, 7/14, ये क्या हो जाएगा, 16/16। तो मेरा क्या बन गया, 1/2, और ये क्या बन गया, 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1:2 ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितना हो गया, ये तो मैंने गलती से मैंने ही तुम्हें करवा दिया। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया, 1:2। ठीक है, तो मेरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या बन गया, 1:2 है, मतलब मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया उसका, मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकता हूँ, वो क्या आ जाएगा मेरा, 14 + 16 = 30 आ जाएगा। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, अब मुझे वेपर डेंसिटी गिवन है। ठीक है, वेपर डेंसिटी क्या गिवन है, 46, तो मैं उसका मोलर मास निकाल सकता हूँ। ठीक है, कंपाउंड का, तो वो क्या आ जाता है, 46 × 2 कितना बन गया मेरा, 92। ठीक है, अब मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी पता चल गया, मोलर मास, तो अगर मैं उन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मेरी एन की वैल्यू आ गई तो तुम्हारा क्या कोई क्या क्वेश्चन ही हो गया, खत्म, काम ही खत्म हो गया तुम्हारा। ठीक है, बात समझ में आई, बता दो। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे मुझे मोलर मास पता चल गया, तो एन क्या होता है, मोलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 92 /
पहले क्या फॉर्मूला मास मेरा कितना है, 30 है, ठीक है ठीक है, बताओ आ रहा है ना समझ। सुनो सुनो सुनो, ये मेरा 1:2 था, तो मेरा क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला NO2 बनेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरा NO2 बनेगा। देखो नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन दो है, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये 14 + 32, ये मेरा क्या बन गया 46, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 46, तो एन की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2, तो मेरा क्या आ गया एम्पिरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला की पावर एन, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है NO2 की पावर 2, तो मेरा आंसर क्या आ गया N2O4 मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। वैसे तो मैं खुद ही करना था, मैंने कर दिया, ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो मुझे उसने मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला जब भी मुझे पूछा है तो एक बात का ध्यान रखना, मोलिकुलर फॉर्मूला अगर उसने मेरे से पूछा तो इनडायरेक्टली मुझे पहले एन निकालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं उसको यहाँ पे पुट कर सकूं, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मुझे निकालना पड़ेगा और एन निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मैं तुम्हें अभी तुम्हें शॉर्टकट मैंने बताया था, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा सीबीएसई में तो आने नहीं वाला, तो मैं टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मैं मोल्स निकाल लूं, ठीक है, वही मोल्स मेरे क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो मेरे को क्या मास रेशियो गिवन, ठीक है, तो अगर मैं मोल रेशियो निकाल दूं तो मेरा क्या आ गया मोल रेशियो 1:2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2:1 आया तो 1:2 हो गया, ठीक है, तो अगर ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा मोल्स का रेशियो आ गया, ठीक है, और यहाँ पर फिर मेरा ये एम्पिरिकल फॉर्मूला भी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था जो मेरा मोल्स का रेशियो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला में वही होता है, ठीक है, तो मेरा क्या आ गया 1:2, ठीक है, तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन दो है, ठीक है, मुझे ये पता चल गया, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल गया तो मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास पता चल गया, मोलिकुलर मास मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वेपर डेंसिटी से, वेपर डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है मोलिकुलर मास से, 2 × वेपर डेंसिटी, तो 92 ये आ गया, ठीक है, तो अभी दोनों मुझे पता चल गए, वहां से एन आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर मेरे को एन ये पता चल गया तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, इसको एक बार खुद सोचना, एक बार जाके स्क्रीनशॉट ले लो या फटाफट लिख लो, बंद होने वाली क्लास, ठीक है, फिर इसको खुद सोचो, अगली क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे अगर समझ नहीं आया है।